स्वागत बंधन। आज हम नवम कक्षाया विषय संस्कृत के अंतर्गत जो पाठ है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पर्यावरणम है, संकलित पर्यावरण, और ये है निबंध। क्या है ये? निबंध। इस पर्यावरण निबंध के मैंने पहले आपको कुछ भाग पढ़ा दिए थे, उसका अनुवाद मैंने आपको समझा दिया था, उसी के और आगे का जो अनुवाद है उसको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। परंतु स्वार्थ नंदो मानव तदेव पर्यावरणम अद्य नाश्यति स्वावल्प लाभ्याय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाश्यन्ति जना यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपात यन्ति तेन मत्स्यादीनाम जलचरणानाम च क्षणेनैव नाशो भवति। नदी जलमपि तत् सर्वथा पेयम् जायते। मानवः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान् निर्विवेकम् छिन्दन्ति तस्मात् आवृष्टः प्रवर्धते वन पार्श्वशः शरण रहिता ग्रामेषु उपाद्रम विधयति। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते एवं ही स्वार्थ अंधी मानवः विकृतम् उपगता प्रकृति। मानव क्या हो चुका है? स्वार्थ में अंधा हो चुका है। एव सर्वेषां विनाश करती भवति विकृति उप गयते पर्यावरणे विविधा रोगा भीषण समस्याश संभवन्ति तत् सर्वमिदानि चिंतनीयं प्रतिभाति। बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। शब्दार्थ समझेंगे पहले। स्वार्थ अंध है, स्वार्थ में अंधा, निज लाभे अंधा, अद्य आज, वर्तमान समय यंत्रागाराणाम यानी कारखानों के, आपने देखा होगा बहुत सारे चिमनियां रहती हैं, कारखानों का बहुत गंदा जो कचरा रहता है वो सारी जो चीजें हैं वो कहाँ चली जाती हैं? जल में प्रवाहित होती हैं। यंत्रालय नाम विषाक्तम यानी जहरीला, विषाक्त यानी उनका जो जहरीला जो गंदा पानी है वो फिर क्या हो जाता? पूरा जहरीला। विषयुक्तम निपात्यंती गिरा रहे हैं, पातनम क्रियते। मत्स्यादीनाम यानी मछली आदि, मीनः आदि नाम। अपेयम यानी ना पीने योग्य, ना पान योग्यम सर्वथा पूर्ण रूप से, पूर्णतः। निर्विवेकम यानी बिना सोचे समझे, विचार बिना। छिंदंती काटे जा रहे हैं, कर्तनम क्रियते। आवृष्टि वर्षा ना होने की समस्या, अनावृष्टि। शरण रहिता बेसहारा होकर, आश्रयहीना। विद्यति करते हैं, कुर्वंती। वृक्ष कर्तनात यानी पेड़ों के काटने से, वृक्षाणाम उत्छेदात। विकृति यानी बदली गई, परिवर्तित यानी परिवर्तिता। विनाश कत्री यानी विनाश करने वाली, विनाशकारी का। प्रतिभाति प्रतीत होता है यानी प्रतीत भवती। इस प्रकार से जो जंगल हैं, जो वृक्ष हैं, वो क्या हो रहे हैं? काटे जा रहे हैं। और जो जो साफ पवित्र नदियां हैं उनमें जो जितने भी ये बड़े बड़े कारखाने हैं उनका जो गंदा कचरा है वो सब उनमें मिलता है। तो इस प्रकार से प्रकृति क्या हो रही है? हर तरह से उसमें जहरीली जो वायु है, जो पानी है, वह होता जा रहा है। परंतु अंधा मनुष्य उसी पर्यावरण को आज क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। और थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। लोग कारखानों का जो जहरीला पानी है, जो गंदगी है नदियों में, क्या कर रहे हैं? गिरा रहे हैं। और उसे मछलियां आदि जो हैं और पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो क्षण भर में ही उनका क्या हो जा रहा है? नाश हो रहा है। और नदी का पानी भी पूर्ण रूप से पीने योग्य हो जाता है। मतलब जब हम प्रदूषण करते हैं उसमें फैल रही है गंदगी पीने वाले पानी में, तो वो पानी भी पीने योग्य नहीं रह जाता। वह नदी का पानी भी पूर्ण रूप से ना पीने योग्य हो जाता है। मनुष्य व्यापार बढ़ाने के लिए वन से के जो वृक्ष हैं उनको बिना सोचे समझे क्या हो रहे हैं? काटे
चले जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, आवृष्टि यानी वर्षा ना होने की समस्या बढ़ रही है। और वन के जो पशु हैं वह बेसहारा होकर, जब जंगल ही नहीं रहेंगे, उनको कोई घास या कुछ ऐसे नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो वो कहाँ आते हैं, गाँव में उपद्रव करते हैं, पेड़ों को काटने से शुद्ध वायु का भी क्या हो रहा है संकट, यानी जब झाड़ी नहीं रहेंगे तो हमको शुद्ध वायु किन चीजों से प्राप्त होगी, है ना, तो शुद्ध वायु का भी संकट उत्पन्न हो रहा। इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्य के द्वारा बदली गई प्रकृति ही उनके विनाश करने वाली हो गई है। पर्यावरण में परिवर्तन होने से विभिन्न रोग और भीषण समस्याएं क्या हो रही, उत्पन्न हो रही हैं। यह सब समस्या इस समय, अब जितनी जो समस्याएं हैं इस समय सोचने के मतलब योग्य प्रतीत होता है। चलिए, धर्मो रक्षति रक्षिता इत्यावर्षणा वचनम पर्यावरण क्षणमपि धर्म यस्य वाङ्मिति विषया प्रतिपादितवन्तः अतएव वापी कूड तडागदि निर्मणम देवायतनम विश्राम गृहयादि स्थापनञ्च धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम कुकुर शुक्र सर्प नकुलादि स्थलचरा मत्स्य कच्छप मकर प्रभृत्यः जलचराश्च अपि रक्षिण्या यत्तेस स्थल यतः ते स्थल मलानाम अननोदिनः जल मलानाम अपहारिणश्च प्रकृति रक्षा एव लोक रक्षा संभवति इत्यत नास्ति संशयः। चलिए, शब्दार्थ देखिए, रक्षिता रक्षित होने पर, आर वर्ष आर्ष वचनम यानी वैदिक ऋषियों का वचन है, वैदिक वचनम, धर्मस्य वाङ्मिति धर्म का एक ही अंग है ऐसा, धर्मस्य वाङ्मिति प्रतिपादित बनता प्रमाणित किया है, प्रमाणित बनता पापी बावड़ी कूप कूप कुएं तड़ागत तालाब देवायतन मंदिर देवालय मंदिरम विश्राम ग्रह धर्मशाला विश्राम स्थल स्रोत रूपेण साधन के रूप में साधन रूपेण अंगीकृतम स्वीकार किए गए हैं स्वीकृतम कुकुरा कुत्ता स्वान नकुल है नेवला मत्स्य मछली मीना कच्छप है ना कछुआ प्रवत्या इत्यादि इत्यादय यतः ते मतलब क्योंकि बे यतो ही ते स्थल मलानाम अन्नो दिना भूमि की गंदगी को दूर करने वाले भूमि मलाप सारिणा जल मलाप नाम यानी अपहारिणा जल की मलिनता के साफ करने वाले जल मलाप सारिणा संभवती यानी हो सकती है अर्थात भवि तुम शक्नोति। अनुवाद समझेंगे, रक्षित धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है यह वैदिक ऋषियों का वचन है। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है ऐसा ऋषियों ने प्रमाणित किया है, इसलिए ही बावड़ी कुएं तालाब आदि का निर्माण और मंदिर विश्राम गृह धर्मशाला आदि की स्थापना धर्म की सिद्धि के साधन के रूप में स्वीकार किए गए हैं। कुत्ते सुअर सांप नेवला आदि फलचरों एवं मछली कछुआ मगरमच्छ आदि जलचरों की भी रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वे भूमि की गंदगी को दूर करने वाले और जल की मलिनता को साफ करने वाले हैं। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार मैंने आपको जो पर्यावरण वाला पाठ है उसके जो मैंने अनुवाद जो शेष थे वो मैंने आपको आज समझाए, आप इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। धन्यवाद बच्चों।